शाफी में फर्क नहीं कर पाएंगे इस बुनियाद पर, क्योंकि शवाफी सबके सब रफूल यदैन करते हैं। तो अहले हदीस का मसला नहीं है खाली ये, इसलिए अहनाफ को तो इस पर बहस भी नहीं करना चाहिए। जब आप खुद बोलते हो कि चारों मसलक बरहक हैं, तो चारों मसलक में तो रफूल यदैन है, आपके इसमें नहीं है, तीन मसलक में है। मेरा सवाल यह है कि अगर एक शाफई मसलक के मानने वाला है, इमाम शाफई की तकलीद करता हुआ रफूल यदैन करता है, आमीन जहरन बोलता है, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ता है, तो आप कहते हो कि सही है इसलिए कि इमाम शाफई की तकलीद कर रहा है, और एक अहले हदीस कहता है कि चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना ही चाहिए, उसके बगैर नमाज नहीं होगी, इंदर रुकू बादर रुकू रफूल यदैन करना चाहिए, आप मरते तक वफात तक ये करते रहे, इसलिए हम करते हैं, आप आमीन बिल जहर की तालीम देते रहे इसलिए हम करते हैं, तो आप कहते हो कि आप गलत हो, यानी हम रसूल की इत्तेबा करें तो गलत, वो शाफई इमाम शाफई की तकलीद करें तो सही, क्या फैसला कर रहे हैं आप? इमाम शाफई का दर्जा अल्लाह के रसूल से बड़ा हुआ है क्या? आप इन मसाइल में किस तरह उलझे हुए हैं आप गौर कीजिए। रह गई बात यह कि हम इसमें उलझे हुए हैं, तो आपको बता दें कि दुनिया में यह शऊर के किस मसले को कि उसकी अहमियत क्या है और उसका मकाम क्या है देना चाहिए, अहले हदीस से बेहतर कोई नहीं जानता। मस्जिद में हूं, अल्लाह के घर में, और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये अहले हदीस जानता है, और किस बुनियाद पे? सबसे ज्यादा अहम मसला और बुनियाद, शायद उस पर भी कुछ लोगों को एतराज हो, सबसे बड़ा बुनियादी मसला कौन सा है बताइए आप लोग, सबसे बुनियादी मसला क्या है? तौहीद। ये जो आपने जवाब दिया, अभी कई मजलिसों में आप जाइए, 20-20 साल जमातों में घूम के आए हैं, इस्लामी हुकूमत कायम करने के लिए मेहनतें कर रहे हैं, वो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं कोई तंज नहीं कर रहा हूं, सोचने की बात है। अहले हदीस का दावत और तबलीग और दीन का पूरा मामला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज पर चलता है, अंबिया के तरीके पे चलता है, हमारी दावत भी अंबिया के तरीके पे चलती है, हमारे तरबियत और तालीम का